दिस इज निदा। आज मैं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक सेकंड ठहरिए, जाइए नहीं। जब तुम गली के नुक्कड़ पे खड़े होते हो और एक लड़की जा रही होती है और तुम सीटी मारते हो, ये हरासमेंट है। जब तुम बस में जानबूझकर एक लड़की को हाथ लगाते हो और फिर सॉरी कहते हो, ये सेक्सुअल हरासमेंट है। ये वो चीज़ें हैं जो लड़कियाँ हर रोज़ देखती हैं, जिन चीज़ों से लड़कियाँ हर रोज़ गुजरती हैं, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि बहुत 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 सारे लड़के ये खुद करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ लड़कियों तक महदूद नहीं है, ये बताती चलूँ मैं, लड़के भी सेक्सुअली हरास होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लड़के आगे आके ये बात नहीं कहते, क्योंकि सोसाइटी में मजाक उड़ाया जाएगा उनका, उनको एक कम मर्द समझा जाएगा, उस डर से वो ये बात नहीं करते। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट ख्वातीन के साथ भी होती है और मर्दों के साथ भी होती है। ख्वातीन की शायद हम इसलिए ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स और फिगर्स ये बताते हैं कि उनके साथ ये ज़्यादा होता है। और ये बात मैं इधर इसलिए भी कह रही हूँ, वरना आप कहेंगे कि ये वीडियो एक फेमिनिस्ट ने बनाई है। नहीं, इससे फेमिनिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों सेक्सेस के साथ होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद अगले बंदे ने कपड़े ठीक नहीं पहने हुए थे। अगर ये बात होती तो एक 70 साल की खातून के साथ क्यों ज्यादती होती और एक छोटी 8 महीने की डायपर में बच्ची के साथ क्यों ज्यादती होती? अगर यही बात थी तो एक बच्चा जो मदरसा जाता है कुरान की तालीम हासिल करने, उसके साथ ये क्यों होता? इसका कपड़ों से, आपके लिबास से ताल्लुक नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी, जब तक आपकी आपस में कोई वर्किंग रिलेशनशिप ना हो या आपस में एक दूसरे के साथ आना जाना ना हो, तो उसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता सेक्सुअल हरासमेंट। अगेन, दैट इज़ नॉट ट्रू। सेक्सुअल हरासमेंट हर जगह हो रही है। ये तुम्हारी मार्केट में हो रही है, ये तुम्हारे घरों में हो रही है, ये तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे कॉलेज में, हर जगह हो रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अब तुम ढक सकते हो या छुपा सकते हो। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम मूवीज़ की वजह से भी है, क्योंकि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब एक लड़की ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। ऐसा नहीं है। जब एक लड़की ना कहती है तो उसका मतलब ना होता है, जब एक लड़का ना कहता है तो उसका मतलब ना होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुम किसी स्टोर जाते हो और तुम्हें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है। अगर तुम्हें दुकान का मालिक वो चीज़ नहीं बेचना चाहता तो तुम वो नहीं ले सकते। अगर दुकान के मालिक का कंसेंट नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है तुम्हें वो चीज़ देने की, तो वो चीज़ तुम्हारी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम चीज़ उठा के भाग जाओगे, ये तो चोरी हो गई। किसी को उसकी मर्जी के बगैर हाथ लगाना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसमें बॉयज़ विल बी बॉयज़ या गर्ल्स विल बी गर्ल्स की बात नहीं आती है। जो गलत है वो गलत है। हमें इस बारे में बात करनी है, हमें ये इश्यू उठाना है, हमें माशरे में अवेयरनेस फैलानी है, हमें आवाज़ उठानी है, हमें इसके ऊपर बातचीत करनी है कि कैसे रोकें, कैसे लोगों को और बताएं, कैसे लोगों को समझाएं। ये सीटी मारना, उसको ताड़ना, पूंडी करना, इतना कि अगले बंदे को अनकंफर्टेबल कर दो, ये सारी गलत चीज़ें हैं। किसी के बॉडी के बारे में बात करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रही होगी, वरना इतने सालों तक चुप क्यों थी? क्या तुम नहीं जानते क्यों चुप थी? हम लोग कैसे ऑनर करते हैं उन लोगों को जो आके बताते हैं कि वो सेक्सुअली हरास हुए, उनके पीछे ट्वीट्स करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, गॉसिप में डिस्कस होती है ये चीज़। हम कहते हैं फेम और पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं ये लोग। किस किस्म की फेम और पब्लिसिटी? इस माशरे में आपको कैसे फेम और पब्लिसिटी मिलेगी जब आप ये बताओगे कि जी हम सेक्सुअली हरास हुए हैं? ऐसा नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है इन चीज़ों के बारे में बात करना, और यही वजह है कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मर्द हजरात जो सेक्सुअली हरास होते हैं, वो आगे बढ़ के नहीं बता पाते कि वो किस अजियत से गुजरे हैं, क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे। आओ कदम बढ़ाओ, आज ये बातें शुरू करो करना लोगों से।
ये मामला ऐसे ठीक नहीं होगा कि हम लड़कियों और लड़कों को अलग कर दें। ये मसला है सोच का, वो सोच बदलनी होगी, वो सोच जिससे एक इंसान को लगता है कि वो किसी को भी कुछ भी कह सकता है, किसी की भी बॉडी के बारे में कमेंट्स कर सकता है, किसी के साथ जबरदस्ती कर सकता है, उस सोच को बदलना होगा।